श्रीगण, यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे लाल रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है, ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग
आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमानगढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है, वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए, लंबे योग से, लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी
दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं, आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था, जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे। वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की, वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है। प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है? मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में
सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है, हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है, और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है, उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है।
साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई, हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को
एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजार वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से, अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा, हमारी चेतना का विस्तार, देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी, शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास, समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देश, देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है, प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी।
और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र का, राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के ध्यानी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार है, और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर व्यम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम पुरुषार्थ समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृतकाल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है, वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है, जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ रामलला के चरणों में प्रणाम करते हुए
आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। जानकी दास जी अब मंच पर आ जाइए। मोहन राव जी भैया जी कहीं मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनो भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ। कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो माँ कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में, आज के इस अलौकिक दिव्य
द्वादशी की तिथि में जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धरा धाम, अयोध्या धाम, सरयू सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ सबका यहाँ पर सम्मिलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, दशाशंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विश्वनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीरपंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक, विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वर्करी, वीरशैव, हर कोई भारत की समस्त मत पंथ राय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी, सतरंगी, विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मिलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में है। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा है, तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं, उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है।